कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। इस पर हमारे प्राचीन शास्त्रों में कई बातें कही गई है। खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने भी लोकल एटिन को बताया है कि गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे कई धार्मिक शास्त्रों में आत्मा की गति और मुक्ति को लेकर वर्णन आया है। इन शास्त्रों में मुक्ति को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। यहाँ शास्त्र में देह त्याग के अनंतर गतियों का वर्णन है। एक तो सामान्य एक जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी गति, और एक जो धर्मनिष्ठ है, जिसमें धर्म भक्त है उसका, और उसमें भी वो मुक्ति जो होती है वो भी दो प्रकार की, क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति। तो हमारे इसमें ये कहा जाता है कि जो मृत्यु होती है उसके अंदर जो बहुत बड़ा योगी है, तो योगी का शरीर छूटने के बाद में वो अपने समस्त कर्म पाशों से मुक्त हो जाता है और सीधे उसको जो ऊर्ध्व लोकों में जाता है, सीधे जाता है वहाँ। उसको यमदूत और यम वाला इस विषय नहीं रहता। यम और यमदूतों वाला जो विषय है वो है केवल उन लोगों के लिए जो सामान्य कर्मों में, कर्म और कर्मों में जो फंसे उनके लिए। तो जिसकी मृत्यु होती है तो वो 12 दिन तक उसकी जो देह छुपने के अंतर में वो उसकी आत्मा है, इसको शरीर है वहीं पर रहता है, और 13वें दिन से उसकी यात्रा जो है सागर और पुराण 13वें दिन से उसकी वो यात्रा आरंभ होती है यमलोक को, वहाँ जाता है। फिर उसको मार्ग में उसको ले जाया जाता है, तो यदि वो पापकर्मी है तो उसको दंड पूर्वक मतलब कष्ट पूर्वक हो जाएगा, और ले जाते हैं तो जो जिसने कोई पुण्यात्मा पुण्य कर्मा है तो उसको भी ले जाया जाएगा, लेकिन उसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो पापी हैं, जिन्होंने पाप किए हैं, अनाचार किए हैं, ये मनुष्य जीवन पा करके भी जो उनका पशुवत आचरण रहा है, शास्त्र कहता है ऐसे लोगों को यातना पूर्वक ले जाया जाता है। यात्रा कितने दिनों तक चलती रहती है? ऐसा मतलब मानते हैं कि 348 दिनों तक वो यात्रा चलती, गरुड़ पुराण में वर्णन आया है। पंडित पंकज मेहता बताते हैं कि गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में यह बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 348 दिन लगते हैं। यमलोक और मृत्युलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल होता है। व्यक्ति की आत्मा प्रतिदिन 247 योजन तय करती है। इस दौरान आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव होता है। पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण कर्म आत्मा की मुक्ति में सहायक होते हैं, इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया गया कोई भी कर्म उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करता है। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।